नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज द पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली का त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, तो सभी दर्शकों को दिवाली आने से पहले हैप्पी दिवाली, दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में दिवाली के शुभ अवसर पर दिवाली के शुभ अवसर पर मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार ने काफी योजनाओं का निवारण किया है। ऐसे में हर गरीब तक, गरीब के घर तक गाड़ी पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने नई योजना का शुभारंभ दिवाली से ठीक 10 दिन पहले कर दिया है। जी हां, दिवाली के शुभ अवसर पर हर गरीब तक भारत की सबसे सुरक्षित कार टाटा एल्ट्रोज को सस्ते दामों पर पहुंचाने के लिए लगातार मोदी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। जी हां, टाटा के साथ मिलकर मोदी सरकार हर गरीब तक ये कार सिर्फ आपको बाइक के दाम पर, जी हां, टाटा की कार बाइक के दाम पर आप लोगों के घर तक पहुंच जाएगी। जी हां, इस योजना के काफी टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कार 49,999 रुपए में आपके घर पर पहुंच जाएगी। उसके बाद आपको सब्सिडी के साथ बिना किसी ब्याज दर के ईएमआई के अंदर भी छूट दी जाएगी। हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए हर एक अलग टर्म कंडीशन रखी गई है, जो आप अपने नजदीकी टाटा के शोरूम पर पता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमारी इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। जी हां, मोदी सरकार की इस खूबसूरत स्कीम को विपक्षी दलों ने निशाने पर भी लिया है कि मोदी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से यूपी के अंदर होने वाले चुनाव पर प्रभाव डालना चाहती है या किसान आंदोलन को, जो है गरीबों को ये तोहफा देकर किसान आंदोलन को दबाना चाहती है। ऐसा विपक्ष ने आरोप भी लगाया है। ऐसे आरोपों को निराधार करते हुए मोदी सरकार ने सिर्फ कह दिया है कि उनका मकसद है हर गरीब तक वो सुविधाएं पहुंचाना जो सुविधाएं अमीर लोग यूज करते हैं, अमीर लोगों की चीजें हर गरीब तक सस्ते दाम में पहुंचाना उनकी सरकार कार्य करती है और यह कार्य करती रहेगी। अधिक जानकारी तक आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा द पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।